की पोटली लाके दे मुझे। सामान चला गया जी। फिर बस निकल जाएगी।
کہتی جو خط لکھے. جا تیری راہ دیکھ رہا ہوگا. دیکھ بیٹا, کھانے پینے کا دھیان رکھیو اور من لگا کے پڑھیو, اور دیکھ چٹھی برابر ڈالتا رہی ہو. نرین نرین, یہ مچھیا ہے, کھا لینا. اپنا خیال رکھیو, ہماری چنتا مت کیجیے. چلو بھائی. سنیے, مجھے ایک کمرہ چاہیے. سات نمبر کوٹری. اپنا تالا لگا لینا اور یہ چابی واپس کر دینا. جی. صرف سات دن کے لیے ہے, اس کے بعد جانا ہے. صرف سات دن؟ ہاں. رگڑ سیگڑ کمر رگڑتا.
मरने चली गई थी? हेमा ले गई ना? हेमा ले गई थी। आप इस कॉलेज में फ्रेशर हैं। आपको मालूम है अगर उन बदमाशों के बीच फंस गई तो रैगिंग कर रैगिंग आपकी बोटियों का तिया पाचा कर देंगे वो। और आप इस कदर लेट क्यों आएंगे? पिताजी ने कहा मैं छोड़ा करूंगा। और घर से चलने लगे तो उनके क्लाइंट आ गए। भाई वो क्यों छोड़ेंगे? क्या आप नर्सरी में पढ़ती हैं? मेरे पास हिम्मत नहीं है उनसे पूछने की। तो घर में दूसरी गाड़ी किस लिए है? ड्राइवर तो है नहीं और मुझे तो चलाना ही नहीं देते। कहते हैं बच्ची है, अगर हाथ में झुंझने के बजाय कार का स्टीयरिंग दे दिया तो दूध गिर जाएगा और फ्रॉक मैली हो जाएगी। हाय हाय जनाब, अब आप कॉलेज में आ गई हैं, जरा अपने पांव पे खड़ा होना सीखिए। वो उम्र गई आपकी जब आप पालने में लेट कर अपनी आया से नैपीज बदलवाती थी। कार से आई है? जनाब आप जिससे बात कर रही है ना उसका नाम शहनाज है। 3 एक्सीडेंट किए इस साल वकील अंकल ने, अब्बू ने कोशिश की लेकिन बंदी की कार बंदी के पास है। और तुम्हें मालूम है अब तो परमानेंट लाइसेंस भी मार लिया मैंने। What? हाँ वो एक बेचारा मरीज आ गया था अब्बू के पास तो मुझे साथ ही ले आकर उनके साथ आती हूँ। ऐसे लगता है जैसे कार कोठरी में बंद हो। ठीक है ले आएंगे लेकिन एक शब्द है हमारे क्या यही कि आप सुबह सुबह उठकर एक नया फ्रॉक पहनकर अपने प्यारे से चेहरे पे नजर का टीका लगवा के तैयार रहिएगा। और हाँ साथ में 2-4 बिप्पी ले आया करिए। स्टूपिड डरपोक कहीं की Thank you.
क्यों सो जाओ तू? हाँ अमा बोलो भी यार। कोई मजा नहीं तेरे साथ खेलने में। अब क्या हो गया? हमेशा जीत जाती है। ओ ये बात है। एक काम करो, तुम एक आशिक पाल लो जो तुम्हारे साथ खेला भी करे और हार भी जाया करे। मुझे तो बख्शो। क्यों? एक से एक अच्छे लड़के आए हुए कॉलेज में। अमा एक तो चुन लो। वो मेरे पिताजी है ना, महेश चंद्र एडवोकेट। वो कौन है? ये चमड़ी है ना, चमड़ी उतार के रख लेंगे। अरे ये क्या है? भैंस की खाल। भैंस की खाल है? और ये घर चले? चलिए तो चलिए। अगले हफ्ते सलीम आ रहा है। अच्छा, पर ये हाथ कहाँ से लाई तू? आदिल से। आदिल? अभी बताया नहीं था तुम्हें, सलीम का भाई आदिल। ओह, ओ पर तो वहाँ मंगवाती है। क्यों, कहो तो तुम्हारे भी मंगवा लूं। तैयार हो? मेरे यहाँ ना बाबा ना। मेरे घर से वो भी रुक जाएगा। एक बात सुन, तू अपने यहाँ क्यों नहीं मंगवाती? तेरे अब्बू तो बहुत आजाद किस्म के आदमी है। जनाबी आली, इन मामलों में किसी के अब्बू आजाद ख्यालात के नहीं होते। तुम्हें मालूम है जिन जिन रिश्तेदारों के बेटे हैं सब तुले बैठे हुए हैं, टूट पड़ेंगे। अच्छा, पर तुम्हारे रिश्तेदारों में शादी हो जाती है? अक्सर होती है, चचेरे फुपेरे ममेरे भाइयों से। ओ, लेकिन एक बात बता, ये तू फिर इस सलीम से? ये अभी आप नहीं समझेंगे। क्यों? जरा जवान हो लीजिए, तब आप इस शेर का मतलब समझेंगी कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। देखना और आपा,
कराची से तहमीश का कोई खतवत भी आया? अरे कोई खतवत ना आया, वो तो जब से वहाँ गई है वहीं की होके रह गई है, हमें तो जैसे भूल ही गई है। आइए बैठिए। हाँ बैठते। फिर गई कमबख्त बिजली, आज फिर गई। चलो आपा बाहर बैठते हैं। आओ आपा। सुबह की मारी बिजली यहाँ भी चला रहा होती है, बस सुबह जाती है। हमारे भी नाक में दम कर रखा है, कब आती है कब जाती है कोई हिसाब ही ना है। रातों को उठ उठ कर ट्यूबवेल चलवाना पड़ता है। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खुदा की दी किसी चीज की कमी ना है नसीम। अभी अभी एक ट्रैक्टर खरीदा है। हाँ आदाब खाला जान, सलामत रहो माशा। अल्लाह हो गया भूखा। तुम जाओ नहाई आओ, कॉलेज से आ रही हो ना? ये क्या नसीब, न बुरका न चादर, उस पर ये लिबास। अब क्या करूं आपा, जहाँ रहना वही के होके रहना। अब यहाँ सब ऐसे ही पहनते हैं। शहनाज अब बच्ची नहीं रही, कल को उसकी शादी करोगी। और मैं, हाँ भाई मैं तो आई इसलिए हूँ, अब्दुल्ला भाई ने शब्बो तो अपनी बहन को दे दी, अब तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना है या नहीं? आपा मैं तो यही चाहूंगी शहनाज मेरे खानदान में जाए, मुझे एहसान पसंद है। फिर तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए कि वो हमारे यहाँ निप जाए, उसका पहनावा उसका चलन। अब क्या करूँ आपा, अपने अब्बा की सर चढ़ी है, मुझे तो कुछ कहने ही नहीं देते। मैंने तो बहुत कहा इसे आगे ना पढ़ाओ, लेकिन कहते मैं उसे वकील बनाऊंगा। वकील? अरे साफ क्यों नहीं कहती कि मुझे मना कर रही हो? अरे वकील बन गई तो क्या हमारे निप पाएगी? क्यों कोई बाहर देख रखा है क्या? आप तो खामखा नतीजा निकाल रही हैं। कसम से ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे कहूंगी। देखो नसीम, शहनाज के लिए मेरा पैगाम है। अम्मी कार की चाबियां करीम भैया को दे दीजिएगा, मैं कार बंद करना भूल आई। ये लीजिए। ये कार भी? अब क्या करूं? सीख ली? माँ का कलेजा नहीं कांपा? ये कार चलाती है, अरे कुछ हो गया तो सारी उम्र को कज रह जाएगा। क्यों हो गया नसीम तुझे? अरे तेरे दूल्हा भाई तो एहसान को ट्रैक्टर नहीं चलाने देते, आदमी रखा है। देख ये कार चलाना बंद कर इसका। अच्छा बंद करा दूंगी, आप नहा लीजिए थकी आई है। 11 नंबर वाला कमरा खाली हो गया? हाँ जी काट दिया जी उसको बाहर। 13 नंबर वाला? उसको भी काट दिया जी। अरे जरा ठहरो, तुम 7 नंबर वाली कोठरी में हो ना? जी भाई अपना इंतजाम कर लो, ये धर्मशाला कल खाली होनी है। कल? लेकिन मैं तो जिसकी ये धर्मशाला है उनके यहाँ किसी की शादी है, मैं कहाँ जाऊँ? देखिए यहाँ कोई है जो मकान दिला दे, कोई कोठरी। डाकखाने के पास एक पलवाड़ी बैठता है हीरा पांडे, बात करके देख लो। हीरा पांडे जहाँ रास्ता ही नहीं कोई, वहाँ राह खुद मैं बना। I'm